तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और ये पांचवा वीडियो है वायरस रिमूवल सीरीज़ का, मतलब सीरीज़ नहीं, पता नहीं कैसे कैसे सीरीज़ बन गया। तो इस वीडियो में बताएंगे कि अभी तक आप बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, उसके बाद क्लीन किए होंगे, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल मारे होंगे, ठीक है। और बहुत सारा वायरस जो इरेज हो चुका, मतलब हट चुका होगा अभी तक, मतलब हट बहुत सारा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सब हट चुका होगा, ठीक है। तो उसमें होता है कि उसका जो रेसिड्यू बच जाता है, मतलब अनवांटेड फाइल सब बच जाता है बहुत सारा, उसमें बहुत सारा अनवांटेड क्या बोलते हैं उसको, सेटिंग्स बच जाता है वायरस का रजिस्ट्री में, तो रजिस्ट्री डेटाबेस में सारा का सारा बच जाता है। तो उस सब को क्लीन करने के लिए, मतलब आज लास्ट स्टेप वही होगा कि मतलब उसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मतलब बहुत सारा ऐसे सॉफ्टवेयर है, लेकिन मोस्ट फेमस जो है वो आप सभी को पता होगा, सीसी क्लीनर। उससे बेसिकली हम रजिस्टर क्लीन करेंगे, और उसका प्रोफेशनल वर्जन आपको चाहिए, मतलब नॉर्मल वाला काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें उतना नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेशनल डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पायरेट वे खोलना है, जैसा कि मेरा देख सकते हैं पायरेट वे खोल के, उसके बाद आपको कैसे भी करके डाउनलोड करना है प्रोफेशनल वर्जन, या आप डालिए कैसे करना है, ठीक है। बस वो नहीं होना चाहिए, क्या बोलते हैं, खुद वायरस ना होना चाहिए, समझे ना, तो एक और मालवेयर आ जाएगा आपके सिस्टम में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी भी पांडा स्कैन मेरा चल रहा है, देख रहे हैं अभी तक चल ही रहा है, मतलब बहुत देर से चल रहा है। उसके बाद आपको वो वाला फाइल इंस्टॉल करना है, सीसी क्लीनर वाला, डाउनलोड में जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद इससे आपको सिस्टम क्लीन कर लेना है, और ये आखिरी स्टेप होगा इसका, और इससे रजिस्ट्री क्लीन हो जाएगा, और कुछ जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स है जो अनइंस्टॉल होने के बाद भी बच गया था, वो सब क्लीन हो जाएगा, ठीक है, उसका फाइल सब बच जाता है। और अगर नहीं तो आप उसको मैन्युअली भी आप जाके क्लीन कर सकते हैं, अगर आपको जाना है तो जाइए सी ड्राइव में जाइए, और नॉर्मली वो इस फाइल्स में होता है, ये इसमें होगा, इसमें ही होता है, देख लीजिएगा जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं इसके अंदर ना हो उसका फाइल डिलीट कर दीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर ढूंढ लीजिएगा, और इस दोनों में ना मिले तो इसमें भी ढूंढ लीजिएगा प्रोग्राम डाटा, ठीक है। इस तीनों में अगर ना मिले तो एक और जगह जहाँ पे ये स्टोर करता है वो है यूज़र्स, यूज़र्स के अंदर में अगर आपका जो करंट यूज़र है, पब्लिक में तो नहीं होगा, जैसे आपका करंट यूज़र जो भी है उसमें जाके वो चेक कर लीजिएगा, उसमें भी ऐप डाटा में जाइएगा, ऐप डाटा में आपको बेसिकली लोकल और इस सब इसी तीनों फाइल में से अगर होगा किसी में, तो इसी में मोस्टली जो है एप्लीकेशन का रेसिड्यू बच जाता है। तो इनको क्लीन करने के बाद आपका पीसी जो है सो 100% क्लीन हो जाएगा, 100% नहीं बल्कि मोस्टली, समझ गए। तो यही आपका लास्ट स्टेप होगा, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।